subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Bismillahirrahmanirrahim. Khushamdeed. Welcome. Suswagatam to the channel. Let's learn with Muhammad Yaqub. Dear students, aaj hum do's. Aisa karein. Do's. Aisa kijiye. Don'ts. Aisa mat karein. Aisa na karein. Aisa mat karo. Dear students, do's or don'ts. Kis tarah जुमले बनाए जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, हमने सेंटेंस फॉर्मूले पे स्पेशल अटेंशन देना चाहिए. सेंटेंस फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो आप माइनर मिस्टेक्स भी नहीं करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, देखिए सेंटेंस फॉर्मूला डूज, इसका सेंटेंस फॉर्मूला ऑलवेज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. डियर स्टूडेंट्स, आप ऑलवेज को ड्रॉप भी कर सकते हैं. ऑलवेज के बगैर भी आप सेंटेंसेस बोल सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लिसन विथ कंसेंट्रेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, हमेशा वक्त के पाबंद रहो, हमेशा वक्त के पाबंद और मुतवज्जो, सावधान, सरगर्म, आमादा, मोहतात रहो. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, हमेशा वक्त के पाबंद और मोहतात रहो, हमेशा वक्त के पाबंद और मुतवज्जा रहो, हमेशा वक्त के पाबंद और मुतवज्जा रहो. डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह बोलना होगा, Always be punctual and attentive. Always be punctual and attentive. Always be punctual and attentive. हमेशा वक्त के पाबंद और मुतवज्जा रहो. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं हमेशा मेहनती रहो, हमेशा फर्मबरदार रहो, हमेशा मेहनती रहो, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ऑलवेज बी हार्ड वर्किंग. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, हमेशा फर्ज शनास रहो, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ऑलवेज बी ड्यूटीफुल. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, हमेशा खुश और तंदुरुस्त रहो, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हेल्दी. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, हमेशा मददगार रहें, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ऑलवेज बी हेल्पफुल. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं हमेशा सच्चे बने रहो, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ऑलवेज बी ट्रूथफुल. हमेशा सच्चे बने रहो. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, हमेशा मिलनसार रहो, समाजी रहो, माशरती रहो, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ऑलवेज बी सोशल. असातिज़ा और बुजुर्गों से दरख्वास्त है कि बच्चों को कंप्लीट सेंटेंसेस बनाने की हिदायत दें. डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मेट फार्मूला ऑफ द सेंटेंस फार्मूला जहन में हमेशा रखने की कोशिश कीजिए. डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड्स. डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज को आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, ऑलवेज को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं. आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली?
ऑलवेज को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज को हम ड्रॉप भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं हमेशा बाईं जानिब चलिए, हमेशा बाईं जानिब चलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह बोलना होगा ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमेशा बाईं जानिब चलो, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमेशा बाईं जानिब चलिए डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, अगर आप ये बोलना चाहते हैं किताब पढ़ते वक्त हमेशा हाथ साफ शफाफ रखिए डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह बोलना होगा ऑलवेज हैंडल द बुक विथ क्लीन हैंड्स, ऑलवेज हैंडल द बुक विथ क्लीन हैंड्स डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ये बोलना चाहते हैं बुजुर्गों से हमेशा अदब व एहतराम से गुफ्तगू करें, बुजुर्गों से हमेशा अदब व एहतराम के साथ गुफ्तगू करें, बातचीत करें, तो उस तरह बोलना होगा ऑलवेज टॉक रेस्पेक्टफुली विद एल्डर्स, ऑलवेज टॉक रेस्पेक्टफुली विद एल्डर्स, या इस तरह भी बोल सकते हैं ऑलवेज टॉक टू एल्डर्स रेस्पेक्टफुली डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ये बोलना चाहते हैं बच्चों से शफकत से पेश आओ, बच्चों से मोहब्बत से बातचीत करो, तो आपको इस तरह बोलना होगा ऑलवेज लव योर यंगर्स, हमेशा बच्चों से उख़ुवत मोहब्बत उल्फत करो डियर स्टूडेंट, बच्चों से प्यार मोहब्बत करो, ऑलवेज लव योर यंगर्स, ऑलवेज लव योर यंगर्स, ऑलवेज लव योर यंगर्स डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं बराबरी वालों की हमेशा इज्जत करो, बराबरी वालों की हमेशा इज्जत करो, तो आपको इस तरह बोलना होगा ऑलवेज गिव रिगार्ड, ऑलवेज गिव रिगार्ड टू योर इक्वल्स, ऑलवेज गिव रिगार्ड टू योर इक्वल्स डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं जितना साफ व शफाफ आप लिख सकते हमेशा उतना साफ व शफाफ लिखो डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस तरह बोलना होगा ऑलवेज राइट एज नीटली एज यू कैन डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ये बोलना चाहते हैं मेहनत मशक्कत करने की आदत बनाए रखो, मेहनत मशक्कत करने की आदत बनाए रखो, तो आपको इस तरह बोलना होगा ऑलवेज कल्टिवेट द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, ऑलवेज कल्टिवेट द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड डियर स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट्स डोंट्स डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट्स डोंट्स, ऐसा ना करें, ऐसा मत कीजिए, ऐसा ना करें डियर स्टूडेंट्स, इसका सेंटेंस फॉर्मूला है, सेंटेंस फॉर्मेट है, देखिए डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स आप इससे पहले डोंट से पहले डोंट की जगह डियर स्टूडेंट्स हम नेवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, डोंट की जगह पर हम नेवर को रिप्लेस कर सकते हैं, डोंट की जगह हम नेवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, अगर आप ये कहना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं दूसरों पर मुनहसिर मत रहो, दूसरों पर मुनहसिर मत रहो, दूसरों के सहारे मत रहो, दूसरे पर इनेसार मत रखो, दूसरों के सहारे मत रहो, तो आपको इस तरह बोलना होगा डोंट डिपेंड अपॉन अदर्स, डोंट डिपेंड अपॉन अदर्स डियर स्टूडेंट्स, ये सब वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब है, डिपेंड अपॉन अदर्स, दूसरों के सहारे मत रहो डियर स्टूडेंट्स। अगर आप ये बोलना चाहते हैं वक्त जाये मत करो, वक्त जाये मत करो, तो आप इस तरह बोल सकते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अगर आप नेवर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना वक्त कभी जाया मत कीजिए डियर स्टूडेंट्स।
अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, कभी डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं काम चोर मत बनो, काम चोरी मत करो, काम चोरी मत करो, काम चोरी पना मत करो, तो काम चोरी मत करो, तो इस तरह सुस्ती से काम मत लो, काहेली से काम मत लो, तो आपको इस तरह बोलना होगा डोंट शिर्क वर्क, डोंट शिर्क वर्क। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, मायूस मत बनो, मायूस मत बनो, नाउमीद मत बनो, अफसुर्दा मत बनो, तो आपको इस तरह बोलना होगा डोंट बी पेसिमिस्ट, डोंट बी पेसिमिस्ट, डोंट बी पेसिमिस्ट, मायूस मत बनो, अफसुर्दा मत बनो, नाउमीद मत बनो, बेउम्मीद मत बनो। यहां पर डिसअपॉइंटेड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डोंट बी डिसअपॉइंटेड, या फिर डोंट बी पेसिमिस्ट, डोंट बी पेसिमिस्ट। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं काम करते वक्त डुलकियां मत लो, तो आपको इस तरह बोलना होगा डोंट डोज व्हाइल वर्किंग। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं बाहर नंगे पैर मत जाइए, तो आपको इस तरह बोलना होगा डोंट गो आउट बेयर फुटेड, डोंट गो आउट बेयर फुटेड। डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं गरीबों को नजरअंदाज मत कीजिए, गरीबों को नजरअंदाज ना करें, तो आपको इस तरह बोलना होगा डोंट नेग्लेक्ट द पुअर। डियर स्टूडेंट्स डोंट की जगह आप नेवर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सातेजा और बुजुर्गों से दरख्वास्त है कि वो बच्चों को मुकम्मल सेंटेंसेस बनाने की हिदायत दे। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स कीप लिसनिंग इंग्लिश, कीप रीडिंग इंग्लिश, कीप स्पीकिंग इंग्लिश, कीप राइटिंग इंग्लिश, कीप लर्निंग इंग्लिश। बस आज के लिए इतना ही, कीप प्रैक्टिसिंग एट होम, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।